अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज मैं वीडियो वॉइस ओवर वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं 40 दिन जमात में हूं। दोस्तों मैं जमात में रहकर भी आपके सिलेबस की मैं फ़िक्र कर रहा हूं, और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मुसल्लस का मश्क नंबर 2.5 का सवाल नंबर 7 को हल करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलो शुरू करते हैं। साबित कीजिए कि मुईन के अज़ला के मुरब्बों का हासिल जमा उसके वितरों के मुरब्बे के हासिल जमा के बराबर है। एक मुईन है ABCD, एक मुईन है इसके जो अज़ला हैं ABBC CD और AD, इनके मुरब्बों के मजमा इनके जो वितर हैं AC और BD, इनके मुरब्बों के मजमे के बराबर है। इस बात को हमें साबित करना है। तो दिया हुआ क्या है, ABCD एक मुईन है, तो हमें इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा याद रखें कि मुईन के चारों ज़िले आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या है, बराबर होते हैं, और उनके जो डायगोनल्स हैं, उनके जो वितर जब एक दूसरे को कता करते हैं नुक्ता वो पर, तो वो एक दूसरे को आपस में बराबर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। मतलब OB इक्वल टू OD और उसके बाद में OA इक्वल टू OC। तो सबसे पहले क्या करें, इस मुसलस को AOB मुसलस पर और BOC मुसलस पर और COD मुसलस पर और AOD मुसलस पर, ये चारों मुसलस पर हम पाइथागोरस का मसला अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके हम इस स्टेटमेंट को साबित करेंगे। तो सबसे पहले इस मुसलस को लें AOB, मुसलस AOB में, AOB में क्या है, ये AOB जो जाविया है ये 90 का है, जाविया AOB इक्वल टू 90 डिग्री। और उसके बाद में अब देखो इसके ऊपर पाइथागोरस का मसला अप्लाई करने का, जो 90 दर्जे का जो जाविया है उसके सामने वाला जो ज़िला होता है वो वितर होता है, वितर का मुरब्बा बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के मजमे के बराबर होता है। अब AB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ये इसे मसावत नंबर 1 मान लें। अब मुसलस BOC में, इस मुसलस के अंदर मुसलस BOC में इसमें BOC ये जाविया 90 का है, BOC इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो इस पर हमें क्या नहीं पाइथागोरस का मसला अप्लाई करेंगे, ये 90 का है तो इसके सामने वाला जो ज़िला है BC ये वितर है, तो BC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इसे इक्वेशन 2 मान लें। अब इस मुसलस में देखो COD, मुसलस COD में ये COD 90 दर्जे का जाविया है। अब देखो अगर ये 90 का है तो इसके सामने वाला ज़िला क्या हुआ, वितर हुआ, तो CD स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये मसावत 3। उसी तरह मुसलस DOA, मुसलस DOA में ये 90 का है तो इसके सामने वाला जो ज़िला है वो वितर है, तो AD स्क्वायर मुसलस जाविया DOA 90 दर्जे का है, तो AD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, अब ये मसावत नंबर 4। अब ये चारों मसावत को ऐड करना, एडिंग
वन टू थ्री एंड फोर। अब चारों को ऐड करें तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का क्या है, ये है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब प्लस बी सी का क्या है, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस। अब सी डी स्क्वायर का क्या है, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर का क्या है, ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर दो मरतबा ओ बी स्क्वायर है तो टू ए बी ओ बी स्क्वायर। उसी तरह ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर टू ओ ए स्क्वायर प्लस, अब देखो ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर टू ओ सी स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर देखें ओ डी स्क्वायर कितने, दो, टू ओ डी स्क्वायर। अब इसमें से दो कॉमन निकला, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें टू इंटू ओ बी, अब देखो किसका हाफ है, ओ बी बी डी का हाफ है, ओ बी क्या है बी डी का ये हाफ है, तो हमें क्या करें बी डी डिवाइडेड बाय टू होल स्क्वायर प्लस। अब ओ डी किसका हाफ है, ओ डी बी डी का हाफ है तो बी डी डिवाइडेड बाय टू इसका स्क्वायर। अब ओ ए किसका हाफ है, ओ ए ए सी का हाफ है तो ए सी डिवाइडेड बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर। उसी तरह अब यहाँ पर देखें ओ सी किसका हाफ है, ओ सी ए सी का हाफ है तो ए सी डिवाइडेड बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो टू इंटू ब्रैकेट बी डी का स्क्वायर, बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी स्क्वायर और टू का स्क्वायर फोर, ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर, ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। और सबका डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करें इसका एलसीएम चार निकालें तो बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर टू बी डी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर। तो अब देखो ये दो दो एक दो 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 चार कैंसिल हुआ तो अब यहाँ बचा टू बी डी स्क्वायर प्लस टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। अब यहाँ टू बी डी है और यहाँ टू ए सी है तो टू कॉमन निकला इंटू ब्रैकेट बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। अब ये टू कैंसिल हुआ तो बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और ये जैसा है वैसा ही यहाँ पर उतार लिया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो हमें इसी को प्रूफ करना था। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।